है एवरीवन इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सो इन टूडे इस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन तो ये हम अब मैथ्स के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है उसको स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ऑलरेडी मैं स्टार्ट करवा चुकी हूं प्लेलिस्ट की लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मैथ्स फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री के लिए जो भी वन शॉर्ट्स हैं, सब मैंने डाल दिए हैं सो प्ले की लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डेफिनेटली जाके चेकआउट करना एंड ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना दिस आर एक्चुअली फ्रॉम द पी वाई आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरली जो क्वेश्चन है ना वो रिपीटेड ही पूछे जाते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कैसे सोल्व करना है हर एक चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है अगर ये पीडीएफ तुम लोग को चाहिए होगी सो तो टेलीग्राम स्टडी वेयर हाउस नेम है ज्वाइन कर लेना वहां पर सारी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती है एंड ये जो नेम है ना स्टडी वेयर हाउस सर्च कर लेना टेलीग्राम पे इनकेस द लिंक डजेंट वर्क लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है अगर वर्क नहीं करेगी तो स्टडी वेयर हाउस सर्च कर लेना टेलीग्राम पे तुम लोग को ग्रुप मिल जाएगा द सेम लोगो जो चैनल पे है वही है तो ज्वाइन हो जाना वहां पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल सेट ए हुज एन ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें तीन है तो यहाँ पे एक सिंपल सा हमारे पास फॉर्मुला है टू टू दी पावर एन इन टू एन माइनस वन या फिर इसे लिख सकते हो टू टू दी पावर एन स्क्स एन विच मीन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हें पता है चाहे कोई तुम्हें सेट दिया है ठीक है मान लो वन टू थ्री फोर फाइव तो तुम्हें पता है इसमें पांच एलिमेंट्स है तो वहां पे एन कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा तो तुम ये फॉर्मूला वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो इनकेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज इट इज रिटर्न फॉर्मेट में नहीं गिवन है तो तुम खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हो ठीक है तो ये हमारे पास सिंपल

सिक्सटीन हो जाएगा सिक्सटीन इंटू फोर हमारे पास कितना होता है सिक्सटी फोर तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर सिक्सटी फोर आ जाएगा ठीक है तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक अमेजिंग ऑफर के बारे में तुम लोग को पहले बता देती हूँ जो अभी अनकडम ने लॉन्च कर रखा है तो अन अडमी लर्निंग फेस्टिवल अभी चल रहा है जिसमें अनक अडमी ने ना जो सिक्सटी डेज का सब्सक्रिप्शन जिसका प्राइस एक्चुअल में बहुत ज्यादा होता है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फाइव नाइन नाइन रुपीजी में ही प्रोवाइड कर रहे हैं अनक आडमी एंड ये फाइव नाइनटी नाइन भी एक्चुअली नहीं है अगर तुम मेरा कोड यूज करोगे ना एन वी टेन तो तुम को एडिशनल टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा विच मींस तुम लोग ही पे करने पड़ेंगे तो कर बोर्ड स्टूडेंट्स हो तो यहाँ पे तुम लोग को गाइडेंस चाहिए होगी फॉर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन वो तुम लोग को मिलेगी अगर तुम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा है तो इन दैट केस जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे तुम पढ़ सकते हो रिविजन वहां पर कर सकते हो रिविजन बैचेस बहुत सारे हमारे चलते रहते हैं इन ट्वेंटी फोर इंटू सेवन यहाँ पे डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगे because पे हमारे पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं तो हम चाहते हैं हमें मिल तो ट्वेंटी फोर इंटू सेवन ये वाला फीचर भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है देन अनलिमिटेड पीवा दे सकते हो तुम लोग टेस्ट क्विजे मॉक टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पे फ्री में अवेलेबल रहेगा अगर तुम यह सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे ये सब कुछ तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है देन गाइडेंस मिलेगी सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन के लिए आई थिंक दिस इज अग्रेट टाइम ग्रेट ऑफर फॉर यू पीपल मेरा कोड एन बी टेन डेफिनेटली यूज कर लेना लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में

Thank mm -hmm. you. थ्री थ्री ठीक है कौन सा एलिमेंट हमको रिमूव करना है सो so दैट ये जो रिलेशन है ना ये इक्वी बैलेंस रिलेशन बन जाए तो ये मैंने तुम को एक्सप्लेन भी करा था वन शॉर्ट में अगर तुम यहाँ पे रिमूव कर दोगे ना तो ये हमारे पास जो बनेगा एंड ये हमारे पास इक्वी बैलेंस रिलेशन होगा क्यों बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव है वन टू थ्री एलिमेंट्स के लिए वन वन टू टू थ्री थ्री यहाँ पे बिलोंग कर रहा है ये हमारे पास सिमेट्रिक भी है बिकॉज अगर हमारे पास ए बी की ही कंडीशन नहीं गिवन रहती है तो हम बी ए के लिए चेक ही नहीं करते हैं हम कह देते हैं कि वो हमारे पास सिमेट्रिक है इन द Anyway, अगर हमारे पास A, ही नहीं है ही नहीं है, तो हम कहां से चेक करेंगे ए सी के लिए कंडीशन तभी भी हम कह देते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसिटिव होगा ठीक है तो ये मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर मान लो यहाँ पे ऐड करने के लिए पूछा जाए तो हमें टू कॉमा वन ऐड करना पड़ेगा इसमें क्यों बिकॉज अगर टू कॉमा वन करोगे ना तो तुम्हारे पास वन वन देखो अगर वन कॉमा टू है टू कॉमा वन है तो वन वन बिलोंग कर रहा है यस विच मीन हमारे पास ये सिमेट्रिक या फिर हम कह ट्रांजिटिव वाली कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है सिमेट्रिक की कब होगी तो टू कॉमा वन भी है है ना तो सिमेट्रिक कीमा टू है टू कॉमा वन है तो वन कॉमा वन भी है ठीक है इन द सेम वे अगर मेरे पास टू कोमा वन है वन कॉमा टू है तो मेरे पास टू कॉमा टू भी तो है तो विच मीन ट्रांजिटिव की कंडीशन भी यहाँ पेटिस्फाई हो रही है तो वो भी मेरे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर एडिट पूछा जाएगा तो टू कॉमा वन आंसर होगा अगर रिमूव पूछा जाएगा तो ये वन कॉमा टू मेरे को यहां से रिमूव करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट द रीजन वाई ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है काफी सिंपल है कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू ले लो अगर तुम वन कॉमा टू कॉमा वन कॉमा टू लेते हो ठीक है हमें बिकॉज ए ए की कंडीशन चेक करनी होती है फॉर रिफ्लेक्सिव तो यहाँ पे क्या वन कॉमा टू लेस देन या इक्वल टू होता है वन बाय फोर उसका जो स्क्वायर होता है नहीं बिकॉज ये वैल्यू होगी जीरो पॉइंट फाइव ये वैल्यू होती है जीरो पॉइंट टू फाइव तो ये वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर होती है तो लेस देन या इक्वल टू तो डेफिनेटली नहीं हो सकती है विच मीन ये मेरा रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ वी मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन इन दिस सेट बाई दिसंपल है टू वन है इन द सेम वे अगर मैं टू वन देखू वन टू देखू तो टू टू भी तो बिलोंग नहीं कर रहा है तो विच मीन्स ये मेरे पास ट्रांजेटिव नहीं रहेगा काफी सिंपल सा क्वेश्चन है नेक्स्ट तो हमारे पास है इफ आर इक्वल्स टू दिस एक रिलेशन है एन तो में यानी कि नेचुरल नंबर्स के सेट में तो हमें रेंज लिखनी है किसी आर की रेंज यानी कि वाई की, की तुम्हें तो जो जो वैल्यूज मिलेंगी एक्स की वैल्यूज पुट करने पे वही हमारे पास रेंज होगी अब देखो सबसे पहले तुम्हें तो ये देखना है x की क्या क्या वैल्यूज मैं हाँ पे पुट कर सकती हूँ अगर मैं यहाँ पे वन पुट करूंगी ठीक है तो वन प्लस नंबर में बिलोंग ही नहीं करती है तो विच मीन एक्स की वैल्यू हम वन नहीं ले सकते हैं तो विच मीन्स हमें सिर्फ इवन वैल्यूज लेनी पड़ेंगी तो यहाँ पे एक्स के बदले अगर मैं टू पुट करूंगी ठीक है तो टू प्लस टू वाईक्वल टू एट तो टू वाईक्वल टू कितना जाएगा x, y की वैल्यू आ जाएगी बाई ठीक है तो विच मीन्स एक मेरे पास इस रिलेशन में क्या आ जाएगा वन कॉमा सॉरी टू कॉमा थ्री ठीक है देन फोर मैं पुट कर सकती हूँ फोर पुट करूंगी तो ये कितना आ जाएगा टू y की वैल्यू अगर सिक्स पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वन ठीक है आगे देखो अगर तुम यहाँ पे एट पुट कर दोगे एट तो ये कैंसिल हो जाएगा y की वैल्यू जीरो बट जो जीरो है वो भी तो एक नेचुरल नंबर नहीं होता है हेंस हम जीरो वैल्यू नहीं ले सकते हैं वाई की एंड हेंस हम एक्स की एट वैल्यू नहीं ले सकते हैं इससे बड़ी अगर कोई भी वैल्यू लोगे ना जैसे मान लो टेन ले ली मैंने ठीक है तो वाई की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज मिल जाएंगी और नेगेटिव वैल्यूज जो है नेचुरल नंबर में तो बिलोंग करती नहीं है तो विच मींस मेरे रिलेशन में सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स आ सकते हैं तो अगर मैं रेंज की बात करूंगी रेंज के लिए हमने डिस्कस करा रेंज में हमारे पास क्या क्या आएंगे वाई की वैल्यूज तो वाई की क्या वैल्यू है थ्री है टू है एंड वन है यही तो वैल्यूज आ रही है विच मीन्स रेंज क्या है हमारे पास थ्री टू वन है रेंज क्या होते हैं जो भी एलिमेंट्स हमारे डोमेन के रिलेटेड होते हैं विद द कोडोमे तो क्या क्या एलिमेंट्स रिलेटेड है सिर्फ थ्री टू और वन ही यहाँ पे रिलेटेड है ठीक है देन हमारे पास नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन चेक इफ द रिलेशन आर इन सेट आर ये आर रिलेशन वाला है और ये आर हमारे पास रियल नंबर का सेट है ठीक है डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी है सिमेट्रिक है या नहीं तो तुम क्लियरली देख सकते हो नहीं होगा अगर तुम वन कॉमा टू लेते हो जो कि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है क्योंकि वन

तो तो ये रिलेशन तो में बिलोंग करेगा बिकॉज वाई देखना है ना तो फोर इज डिविजिबल बाय यस ट्रू अगर मैं फोर कॉमा वन देख लू तो ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा बिकॉज वन इज नॉट डिविजिबल बाय फोर तो विच मीनस ये क्लियरली मेरे पास सिमेट्रिक तो नहीं है अब अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए देखूं तो ट्रांजिटिव के लिए मैं क्या लिए सकती हूं? 1, ले सकती हूँ यहाँ पे वन कॉमा टू लेती हूँ पहले ठीक है ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है बिकॉज टू इज डिविजिबल बाय ठीक है फिर मैं टू कॉमा फोर ले लेती हूँ बिकॉज फोर इज डिविजिबल बाय टू अगर मैं वन कॉमा फोर लूंगी तो ये भी तो रिलेशन में बिलोंग करेगा ही ना बिकॉज फोर इज डिविजिबल बाय वन तो ये दोनों कंडीशन अगर है तो हमें मिल रहा है कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा विच मीन ये भी मेरे पास ट्रांजिटिव होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट वन टू इक्विवेलेंस रिलेशन हमें निकालने हैं तो यहां पे ना में हमें दो ही मिल सकते हैं कैसे मिल सकते हैं वो हम फाइंड भी कर सकते हैं क्लियरली अगर हम पहला इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए तो देखो वन कॉमा वन आ गया हमारे पास टू कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री वन कॉमा टू एंड टू कॉमा वन अभी मैंने बताया था कि ये मेरे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ठीक है एंड अगर मैं दूसरा देखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन कामा वन टू कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री ये वन कॉमा टू है हमारे पास टू कॉमा वन है हमारे पास देन हम और क्या ले सकते हैं यहाँ पे मैं वन कॉमा थ्री ले सकती हूँ थ्री कॉमा वन तो यहाँ पे भी देखो अगर वन कॉमा थ्री है थ्री कमा वन है इसमें तो सिमेट्रिक है देन वन वन भी है और थ्री थ्री भी है विच मीन ये मेरे पास क्या है हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी है ठीक है फर्दर तुम टू कमा थ्री भी ले सकते हो एंड यहाँ पे थ्री कॉमा टू भी ले सकते हो तो ये हमारे पास दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा ठीक है तो विच मीन यहाँ पे हमारे पास टोटल दो इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं अगर इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है कि इसमें हमने ये दो क्यों एड करे हैं क्या इतने से ही हमारा काम नहीं बनेगा या हमने जैसे मान लो अगर हमने टू कॉमा थ्री एड कर दिया तो ऑब्वियसली अगर सो इक्वीवेंस बनाना है तो सिमेट्रिक होना चाहिए तो हमें थ्री कॉमा टू भी एड करना पड़ेगा अब देखो इसमें ये दोनों तो ये दोनों दोनों एलिमेंट्स एलिमेंट्स मेरे पास पास ऑलरेडी हैं। हैं, तो 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 अगर अगर हमारे उस केस में हमें यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि अगर हमने मान लो ऐड कर दिया, तो पहले तो 3, तभी जाके लिए 1, 3, अब वन थ्री है तो बनाने के लिए थ्री कोमा वन भी तो हमको ऐड करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली ठीक है तो इसीलिए हमारे पास दो ही पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये इंटर रिलेटेड है इक्विवेलेंस बनाने के लिए तुम्हें तीनों कंडीशन जो है सेटिसफाई करनी होगी अगर मान लो तुमने सिर्फ वन कोमा थ्री उसमें लिखा है और थ्री कमा वन नहीं लिखा है तो तुम्हारा वो आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा तुम्हें उसके लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे बिकॉज सिमेट्रिक की कंडीशन तो तुमने सेटिसफाई ही नहीं करी है ठीक है तो आई थिंक दिस इज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन जेड डिफाइंड बाय दिस एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल रिलेशन काफी और जीरो जो है जीरो हर एक नंबर से डिविजिबल रहेगा तो ये एक कंडीशन है ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है डिविजिबल बाय टू दे दिया जाएगा डिविजिबल बाय फोर तो तुम्हें देखना है जीरो हर नंबर से डिविजिबल होगा तो विच मीन वो रिफ्लेक्सिव तो हमारे पास डेफिनेटली होने वाला है ठीक है उसके

तो ये सली मेरे पास बिलोंग करेगा बिकॉज यहाँ पे अगर मैं देखू तो फाइव माइनस टेन विच इज माइनस फाइव जो कि फाइव से डिविजिबल होता है फिर मैं टेन कॉमा फिफ्टीन लू तभी बी ए आर में बिलोंग करेगा बिकॉज टेन माइनस जो कि कितना माइनस फाइव बिकॉज एक्स माइनस वाई करना है वाई माइनस एक्स नहीं ठीक है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अगन माइनस फाइव जो कि डिविजिबल होता है फाइव से तो अगर हम फाइव कॉमा भी लें तो फाइव माइनस फिफ्टीन विच मस माइनस टेन जो कि डिविजिबल होता है फाइव से ठीक है तो विच ये ट्रांजिटिव भी है तो ये मेरे पास क्या होगा एक बेलेंस रिलेशन होगा इस टाइप के क्वेश्चन काफी सिंपल

इक्वल है या छोटा है टू से बट टू कॉमा वन तो बिलोंग करेगा ही नहीं क्यों बिकॉज टू तो वन से छोटा नहीं होता है ना तो विच मीनस ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है रिफ्लेक्सिव तो है ट्रांजिटिव भी होगा ये ऑब्वियसली वन कॉमा टू है मेरे पास बिलोंग कर रहा है वन जो है लेस देन है टू से टू कॉमा थ्री ले लो तो अगेन हमारे पास टू जो है लेस देन थ्री है वन कॉमा थ्री लोगे तो ऑब्वियसली ये भी बिलोंग करेगा बिकॉज वन थ्री से छोटा ही होगा तो इस टाइप के आई थिंक काफी सिंपल यू कैन डू देन शो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट वन टू थ्री फोर फाइव गिवन बाय दिस रिलेशन मॉड ऑफ ए माइनस बी विच मीन यहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी सब पॉजिटिव ही मिलेंगे इज डिविजिबल बाय टू एक बैलेंस रिलेशन है काफी सिंपल है फाइव वाला करा था डिविजिबल बाय फाइव सेम वही क्वेश्चन है ठीक है तो देखो वन कॉमा वन या कोई सा भी ए ले लो ए माइनस ए जीरो आएगा विच इज डिविजिबल बाय टू ऑब्वियसली तो रिफ्लेक्सिव तो ये है ठीक है सिमेट्रिक देख लेते हैं सिमेट्रिक तो हम वन कामा थ्री ले लेते हैं तो ये मेरे पास बिलोंग करेगा क्यों बिकॉज ए माइनस बी है तो वन माइनस थ्री माइनस टू बाहर टू ही वैल्यू आएगी इट इज डिविजिबल बाय टू तो ऑब्वियसली ये तो सैटिस्फाई हो रहा है तो थ्री कॉमा वन भी तो सेटिसफाई होगा ना बिकॉज थ्री माइनस वन तो टू ही आएगा विच इज डिविजिबल बाय टू हर एक एलिमेंट के लिए ये हमारे पास सेटिसफाइड होगा ठीक है तो विच सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी होगा ऑब्वियसली वन कॉमा थ्री तो थ्री कॉमा फाइव भी हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास टू आएगा यहाँ पे भी हमारे पास टू आएगा बिकॉज मॉड है तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी तो वन कॉमा फाइव भी रिलेशन में बिलोंग करेगा बिकॉज वन माइनस फाइव जो कि कितना आएगा हमारे पास माइनस फोर यानी कि फोर और ये हमारे पास 2 से डिविजिबल होता है ये हर एक नंबर के लिए सैटिस्फाइड होगा विच मींस ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा ठीक है देन हमारे पास अब 1 वन एंड ऑन टू के कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है चेक वेदर दिस फंक्शन आर से आर यानी कि रियल नंबर्स के ही सेट में डिफाइंड एज fx x3 11 है या फिर नहीं तो काफी सिंपल है fx1 fx2 अगर होगा तो x1 इक्वल टू एक्स टू आना चाहिए या फिर अगर तुम ऐसे भी देखो अगर तुम एफ वन पुट करोगे तो वन आएगा कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव ही आएगा बिकॉज ये क्यूब है स्क्वायर के लिए पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज स्क्वायर के लिए दो नंबर्स की सेम इमेज आ जाती है ठीक है तो एक मेथड तो ऐसे है कि यहाँ पे ये प्रूव कर दो कि हर एलिमेंट के लिए एक डिस्टिंक्ट इमेज आ रही है तो विच मीन ये वन वन है या एक दूसरा मेथड ये वाला भी होता है तो यहाँ पे देखो एक्स वन का क्यूब इक्वस टू एक्स टू का क्यूब तो दोनों साइड क्यूब रूट लोगे तो एक्स वन इक्व टू एक्स टू ही आएगा तो आ चुका है विच मीन वन वन है दे टू मेथड यू कैन यूज एनी मेथड विच एवर यू लाइक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अगर हमारे पास ए ये है और बी हमारे पास ये सेट गिवन है दो तो बेसिकली और एक एफ यानी कि ये हमारे पास क्या है फंक्शन है इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी स्टेट वेदर एफ हमारे पास वन वन है या फिर नहीं है वन वन का मतलब क्या है एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए तो क्लियरली अगर मैं वन की इमेज देखूं तो यहाँ पे देखो कितनी है फोर अगर मैं टू की इमेज देखूं तो फाइव गिवन है और थ्री की इमेज देखूं तो यहाँ पे सिक्स गिवन है ठीक है अब ये ऑब्वियसली मेरे पास ऑन टू नहीं होगा

टू कॉमा थ्री पुट करोगे तो देखो यहाँ पे टू कॉमा थ्री आ जाएगा जो कि कैंसिल होगा तो फोर माइनस फोर जो कि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा नॉट डिफाइंड होता है तो उन्होंने खुद ही क्या कह रखा है कि डोमेन में हमारे पास टू कॉमा थ्री नहीं आना चाहिए और यही हमारे पास हमें को डोमेन में भी फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा तो ये हमारे पास अभी तो सिर्फ वन वन बताना है ठीक है तो वन वन के लिए तो क्या कर सकते हो तुम सिंपली एक वैल्यूज तो पुट कर दो वन पुट करोगे अलग वैल्यू माइनस वन पुट करोगे अलग वैल्यू विच मींस हर एक एलिमेंट के लिए अपनी अपनी इमेज है image, तो यहाँ पे तो पुट कर दो फोर एक्स वन प्लस थ्री अपॉन सिक्स एक्स वन माइनस फोर इक्वल टू फोर एक्स टू प्लस ऑफ थ्री अपॉन सिक्स एक्स टू माइनस ऑफ फोर क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा ट्वेंटी फोर एक्स वन एक्स टू Uh, इधर पे भी कुछ सिमिलर आएगा. आएगा. आएगा तो तो सबसे पहले आ जाएगा. देखो देखो ये minus 12, minus 12 ये ये कट गया. फर्दर देखो, uh, मैं क्या करती हूँ इसके साथ ये वाला ले जा लेती हूँ ठीक है तो ये एटीन प्लस ऑफ जाएगा. इक्वल टू इधर पे भी देखो ये माइनस प्लस आ जाएगा तो 18 प्लस ऑफ 16 आ जाएगा x1 तो ये तो कैंसिल आ गया या सिंपली कर भी सकते हो ये कितना जाएगा थर्टी फोर एक्स टू इक्वल्स टू थर्टी फोर एक्स वन ठीक है तो ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे से मेरे को क्लियरली मिल गया एक्स वन इक्व टू एक्स टू बस सिंपली तुम्हें यही प्रूफ करना है अगर एक्स वन और एक्स टू आपस में इक्वल आ गए तो दिस मीन क्लियरली मेरे पास क्या आएगा वन वन आएगा ठीक है और शो दैट वाले क्वेश्चन में तो तुम्हें क्लियरली पता है कि तुम्हें एक्स वन इक्व टू एक्स टू लाना ही लाना है बिकॉज उसमें यही तो प्रूफ करना है ना कि वो मेरे पास वन वन है तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी सिंपल रहते हैं सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सिमिलर क्वेश्चन है बट यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास ऑन टू है तो काफी सिंपल है ऑन टू प्रूफ करना भी मैंने वैसे वन शॉट में तुम लोग को बता रखा है ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे तो हम एक वाई एलिमेंट ले लेते ले हैं जो कि हमारा को डोमेन में बिलोंग कर रहा होगा यहाँ पे हमें को डोमेन गिवन नहीं है हम बी लेते ले हैं ठीक है तो एक एलिमेंट है जो कि को डोमेन में बिलोंग कर रहा होगा एंड जो भी हमारा एलिमेंट जो है को डोमेन में बिलोंग करेगा तो उसके लिए हम एफ एक्स इक्वल टू वाई ले लेते हैं तो वाई इक्वल टू यहाँ पे ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है तो अब हमें प्रूफ करना है कि एक एलिमेंट एक्स जो है वो डोमेन में बिलोंग करना चाहिए विच मीन्स वाई अगर देखो कोडोमेन में है तो उसके लिए प्री इमेज होनी चाहिए एक्स के फॉर्म में जो कि हमारा किस में होगा हमारे डोमेन में तो वो ही हमें निकालना है यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सिक्स एक्स वाई माइनस फोर वाई इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री यहाँ पे आ जाएगा ठीक है फिर यहाँ पे सिक्स एक्स वाई माइनस ऑफ पे से ना मैं क्या करूंगी एक्स कॉमन लूंगी अब तो एक्स कॉमन ले लिया तो सिक्स वाई बचा इक्वल टू x टू बाय थ्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज जो हमारे पास y है y क्या है हमारे पास को डोमेन है उसमें टू बाय थ्री नहीं होना चाहिए क्यों अगर देखो y के बदले में टू बाय थ्री यहाँ पे पुट कर दूंगी टू बाय थ्री पुट करूंगी तो देखो थ्री और ये टू से कैंसिल होगा टू इंटू टू फोर फोर माइनस फोर जीरो जीरो जो कि नॉट डिफाइंड रहता है तो हमें डोमेन से भी टू बाई थ्री हटाना है और को डोमेन से भी टू बाई थ्री हटाना है उसके अलावा जितने भी हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं चाहे वो को डोमेन में हो चाहे वो हमारे पास डोमेन में हो हर एक एलिमेंट के लिए मतलब जो को डोमेन में है एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी डोमेन में ठीक है और यही तो हमें प्रूव करना होता है ऑन टू में कि हर एक एलिमेंट की को डोमेन में एक प्री इमेज है किसमें डोमेन में तो फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू बी विच इज द को डोमेन डेयर एक्स ंगिंग टू ए यानी कि डोमेन में तो हेंस हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमारे पास क्या है ऑन टू है बस इतना ही तुम लोग को प्रूफ करना है ठीक है अगर हम एक वाई एलिमेंट को डोमेन में ले रहे हैं तुम्हें दिखाना है कि उसके लिए एक एक्स बिलोंग करेगा किसमें डोमेन में वही हमारे पास ऑन टू की डेफिनेशन होती है ठीक है तो ये तो ऐसा कुछ प्रूफ नहीं करना है, बस यहां पे तुम्हें कर देना है कि अगर टू इज क्लियर सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है ये ना ही वन वन है ना ही ऑन टू है तो देखो एफ एक्स जो है ना एफ वन एक्स के यहाँ पे इक्वल होगा हमेशा तो हेंस ये हमारे पास दो एलिमेंट्स की क्या आ जाएगी सेम इमेज आ जाएगी तो ये हमारे पास वन नहीं रहेगा एक प्रूफ ले लेते हैं एफ टू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो ये आ जाएगा टू अपॉन फोर प्लस वन यानी कि फाइव ठीक है अगर मैं एफ वन टू देखू यहाँ पे तो इसके बदले वन बाय टू आएगा यहाँ पे वन बाय फोर प्लस वन हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे देखो फोर हमारे पास आ जाएगा एंड दिस वुड बी फाइव तो वन बाय टू डिड बाय फाइव बाय फोर है या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं फोर बाय फाइव तो अगेन ये भी कितना आ गया टू बाई फाइव तो अगर तुम एफ थ्री लोगे तो उसकी इमेज वन बाय थ्री के इक्वल होगी तो यहाँ पे ना दोनों की इमेज क्या आ रही है सेम अब दो एलिमेंट की सेम इमेज आती है तो ऑब्वियसली वो मेरे पास वन वन नहीं रहता है ठीक है ये एक अलग सा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है तो इसको डेफिनेटली देख लेना मे बी इस टाइप का क्वेश्चन तुमने पहले नहीं प्रैक्टिस कराओ ठीक है अब ऑन तो भी नहीं है क्यों नहीं है देखो अगर मैं एक वाई एलिमेंट ले लेती हूँ वन जो कि हमारा आर में बिलोंग कर रहा है कोडोमेन के ठीक है तो कोडोमेन में है तो उसके लिए हमारे पास ऑब्वियसली एग्जिस्ट करना चाहिए एक एलिमेंट डोमेन में तो यहाँ पे देख लेते हैं अपॉन तो y के बदले हमें यहां पे क्या पुट करना है 1, तो हमने 1 ले रखा है तो तो हमने बिकॉज ले रखा माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे अगर तुम एक x की वैल्यू निकालोगे तो एक रियल वैल्यू तुम्हें नहीं मिलेगी यहाँ पे हम क्लियरली जो क्वाड्रेटिक फॉर्मला है वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमें एक रियल वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलने वाली है ठीक है जैसे कि हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी तो देखो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में वैल्यू निकालना चाहूंगा माइनस ऑफ माइनस वन विच मीनस वन आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस फोर इंटू ए इंटू सी ठीक है बिकॉज ए मेरे पास वन है और सी भी मेरे पास यही है अपॉन टू ए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Uh, ये माइनस uh, वन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे प्लस ले लेते हैं तो ये वन प्लस माइनस अंडर रूट देखो वन माइनस फोर माइनस थ्री तो क्या एक रियल वैल्यू है नहीं तो ये हमारे पास आर में बिलोंग नहीं कर रहा है यानी कि डोमेन में बिलोंग ही नहीं कर रहा है बिकॉज ये एक रियल वैल्यू नहीं है तो विच मीन्स जो एलिमेंट है उसके लिए हमारे पास क्या है प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है डोमेन जो को डोमेन है उसके एलिमेंट के लिए प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो ये मेरे पास ऑन टू भी क्या होगा नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन गिवन है जहां पे a जो है उसमें थ्री नहीं होना चाहिए बिकॉज थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए और b में टू नहीं होना चाहिए तो हमें प्रूफ करना है f वन वन है एंड ऑन टू है या नहीं एंड इन्वर्टेबल ये वाला तुम्हारे नहीं है इन्वर्स निकालना बिकॉज ये बाइनरी ऑपरेशन वाले टॉपिक में आ जाता है तो इन्वर्टेबल वाला नहीं पूछा जाएगा उसका पहला पार्ट पूरा तुम्हारे सिलेबस में है ठीक है तो वन वन तो सिंपल है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू यहां पे से प्रूफ कर दो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है अब आई थिंक तुम लोग काफी इजिली कर लो

इसके साथ ले लो तो नाइन एक्स वन आ गया तो क्लियरली एक्स वन इक्व टू आ गया वन वन होगा काफी सिंपल है On के लिए clearly एक बी डोमेन में ले लूंगी तो यहाँ पे इसके लिए मेरे को प्रूफ करना है कि एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी तो एफ एक्स इक्वल टू वाई हम ले लेंगे y इक्व टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वाई यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल लूंगी तो yx एक्स माइनस थ्री वाईक्व टू टू एक्स प्लस थ्री तो यहाँ पे वाई एक्स माइनस टू एक्स टू थ्री वाई प्लस वन आ जाएगा ये बिकॉज थ्री प्लस थ्री वाई होगा तो यहाँ पे से एक्स कॉमन ले लो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री इंटू वाई प्लस वन अपॉन x कॉमन लोगे तो यहाँ पे y माइनस टू बचेगा तो एक x बिलोंग कर रहा है ना किसमें a में ये जो x की वैल्यू है a में यानी कि डोमेन में बिलोंग करेगी फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू b देर एग्जिस्ट एन x बिलोंगिंग टू a तो हेंस ये हमारे पास क्या होगा ऑन टू होगा और यहाँ पे भी देखो ये जो x की वैल्यू है ना यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए y के बदले टू नहीं होना चाहिए

Uh, अच्छा नहीं यहाँ पे इस तरीके से हम नहीं प्रूफ कर सकते हैं वैसे इसको बट स्टिल देख लेते हैं ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा X1 square plus X1 equals to X2 square plus of टू एक्स टू पे हम और क्या ले सकते हैं इसमें वील गेट एक्स वन स्क्र माइनस ऑफ एक्स टू स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स वन प्लस एक्स टू ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मला लगा दिया एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वन माइनस ऑफ एक्स टू इक्व टू एक्स टू माइनस ऑफ एक्स वन आ जाएगा ठीक है यहाँ पे से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लू तो गेट माइनस ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू इन टू विलेट कैंसिल हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं देखो कई बार ऐसा होगा कि एक मेथड से हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे ऐसा हो सकता है बिकॉज देखो यहाँ पे अगर ये माइनस साइन उधर चल जाएगा इट वुड बी एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो विच मीन एक्स वन इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टू आ गया ना तो यहाँ पे से तो हमें ये दिख गया कि वन वन ये नहीं है बट हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास वन वन होना चाहिए तो इसके लिए

Uh, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा देखो माइनस एक्स टू एन प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस ऑफ एक्स वन तो यहाँ पे से हम क्या कर सकते हैं ये वैल्यू इज आ जाएगी इफ आई टेक प्लस साइन ओवर हेयर, तो ये एक्स वन माइनस एक्स टू बन जाएगा ना ये वैल्यू एज है ठीक है चलो लिखी देते हैं यहाँ पे हमारे पास है x1 वन प्लस एक्स टू इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू ठीक है अब देखो यहाँ पे x1 वन माइनस एक्स टू में कॉमन ले लेती हूँ अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा x1 वन प्लस एक्स टू यहाँ पे क्या बचेगा वन बिकॉज वो हमने कॉमन ले लिया है अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना हमारे पास ये वैल्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं हो सकती है क्यों बिकॉज ये हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट में डिफाइंड है तो क्या यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें जीरो देगी नहीं ना तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं मिलने वाला है तो वैल्यू जीरो होगी मिल गया एक्स टू तो कई बार ना हम जल्दीबाजी में कुछ ऐसा अप्रोच लगा देते हैं जहां से हमारा आंसर नहीं आएगा अगर मैं वही वाला अप्रोच लगाती तो आंसर तो नहीं आता तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा वील we'll लाइक

और वो जो uh, y एलिमेंट है वो n में बिलोंग कर रहा है n हमारे पास कोडोमेन का ठीक है तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू वन ले लूंगी मैं विच मीन एक्सक्र प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू वन x प्लस एक्स इक्वीरो एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो अब x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है और x प्लस वन की वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकती है क्यों नहीं हो सकती है बिकॉज ये जो x है ना हमारा ये n में होना चाहिए नेचुरल नंबर में ना जीरो नेचुरल नंबर में होता है और ना ही हमारे पास यहां से क्या आएगा x इक्वल टू माइनस वन ये भी हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है एंड हेंस हमारे पास यहाँ पे क्लियरली आ जाएगा कि यहाँ पे दोनों ही हमारे पास N में बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो अगर एक मेरे पास एलिमेंट है वन जो कि इसमें है कोडोमेन में उसके लिए एक प्री इमेज जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि वो हमारे पास ऑन टू नहीं है आई थिंक दिस इज क्लियर अगर तुम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना तो पहले जाके वन शॉट देख लेना बिकॉज अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो मे भी तुम्हें डिफिकल्टी हो इस टाइप के क्वेश्चन समझने में तो पहले वन शॉट देख लेना ठीक है देन हमारे पास है एफ ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है ए से बी में एक फंक्शन डिफाइंड है तो हमें प्रूफ करना है कि बाइजेक्टिव है और ये वाला पोर्शन इसमें नहीं है बिकॉज इनवर्स नहीं कैलकुलेट करना है तो हमें प्रूफ करना है बाइजेक्टिव है विच मीन वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी क्लियरली मैंने अभी बता दिया है ये मैं वापस से सॉल्व नहीं कर दूफ वन इक्व टू एफ एक्स टू यहाँ से प्रूफ कर दो कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ठीक है ऑन टू के लिए अगेन मैं बता देती हूँ एक वाई एलिमेंट जो है वो किस में बिलोंग करेगा कोडोमेन में यानी कि बी में इसके लिए प्रूफ करना है कि एक तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए प्री इमेज होनी चाहिए है ना तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू ले लेती हूँ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्व टू वाई तो एक्स माइनस टू इक्वस थ्री वाई तो तो कितना y minus 1. So, X equals to कितना बचेगा आ गया 3Y minus 2 upon y minus 1, जो कि बिलोंग करेगा ए में और देखो यहाँ पे वाई यानी कि हमारे को डोमेन में क्या वैल्यू नहीं हो सकती है वन नहीं हो सकती है बिकॉज उसके लिए एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज थ्री वाई है माइनस टू अपॉन जीरो का वो फॉर्म बन जाएगा और डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो वो नॉट डिफाइंड होगा ठीक है तो हेंस यहाँ पे ये एलिमेंट हमारे पास हमें पता चल गया है कि अगर y को डोमेन में है तो देयर एग्जिस्ट इन x जो कि हमारा डोमेन में है हेंस हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है तो ये हमारे पास क्या होगा ऑन टू भी होगा ठीक है तो आई थिंक दिस इज क्लियर देन इसके बाद वी हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर आर टुडे सेशन तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम आर माइनस ऑफ माइनस फोर बाई थ्री टू आर माइनस ऑफ फोर बाई थ्री विच मीन हमारा जो डोमेन है उसमें माइनस फोर बाय थ्री नहीं होना चाहिए एंड को डोमेन में फोर बाय थ्री नहीं होना चाहिए एंड दिस फंक्शन इज गिवन बाय दिस तो हमें शो करना है की एफ बाइजेक्टिव है इनवर्स वाला तो हमारे सिलेबस में है नहीं तो बाइजेक्टिव है विच मीन्स वन वन और ऑन टू हमारे पास दोनों ही होना चाहिए ठीक है तो वन वन तुम्हें पता है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू ले लो और यहाँ पे से प्रूफ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है काफी इजी है, 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 है ना इसको लिख भी सकते हो मान लो इसको तुमने A ले लिया, इसको बी ले लिया तो यहाँ पे सिंपली वाई बिलोंगिंग टू बी भी तुम ले सकते हो ठीक है ऐसे खुद से कर सकते हो तो यहाँ पे वाई बिलोंगिंग टू बी विच इज द कोडोमेन मैंने ले लिया है तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा तो वाई इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री एंड दिस कर दो यहाँ पे सिंपली तो थ्री एक्स वाई प्लस फोर वाई आ जाएगा इट विल बी सेम एनी वे तो, तो यहाँ पे हम ले, ले लेते हैं फोर एक्स माइनस थ्री एक्स वाईक्वल टू फोर वाई माइनस ऑफ थ्री यहाँ पे एक्स कॉमन आ गया तो आ, कुछ ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बनेगी एंड वील ना हाँ तो फोर माइनस थ्री वाय तो यहाँ पे एक्स इक्व टू ये आ जाएगा जो कि हमारा ए में यानी कि डोमेन में बिलोंग कर रहा होगा सो फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू बी दैट इज द को डोमेन देर एक्सिस्ट इन एक्स बिलोंगिंग टू ए विच इज द डोमेन तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज विच मीन्स है एंड हेंस ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू रहेगा ठीक है तो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी वाई यानी कि को डोमेन में क्या वैल्यू नहीं हो सकती है फोर बाय थ्री बिकॉज अगर मैं यहां पे फोर बाय थ्री पुट करूंगी तो फोर माइनस फोर जीरो आ जाएगा जो कि नहीं हो सकता है ठीक है तो हेंस यहाँ पे क्लियरली प्रूफ हो गया कि ये हमारे पास क्या है एक ऑन टू फंक्शन है वन वन भी है विच मींस हमारे पास बाइजेक्टिव होगा वन वन है तो हम उसको इंजेक्टिव कहते हैं जनरली एंड अगर हमारे पास ऑन टू होता है तो हमारे पास सब्जेक्टिव होता है दोनों है तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं एंड हेंस वी हैव प्रूफ दिस सो आई थिंक दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू इन केस अगर तुम लोग सब्सक्रिप्शन लेना हो अनक आदमी का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ए एन वी टेन कोड मेरा डेफिनेटली यूज कर लेना सो आल सी गाइड इन द नेक्स्ट वीडियो टेल देन टेक केयर